बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष इंडिया में शामिल सभी घटक दलों ने दिया धरना। इंडिया में शामिल सभी घटक दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम माले, सीपीएम एमसीसी, जनता दल यूनाइटेड, आप, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, एमटीएमसी के द्वारा संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय बोकारो में मणिपुर में जातीय हिंसा और दो महिलाओं को निवस्त्र कर खुलेआम सड़कों पर घुमाने तथा उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने की अत्यंत घृणित एवं अमानवीय घटना भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र एवं राज्य सरकार की संवेदनहीनता के विरोध में धरना के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को तत्काल मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के लिए एक ज्ञापन सभी दलों के द्वारा उपायुक्त बोकारो को सौंपा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हीरालाल मांझी, जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो के द्वारा की गई। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद, राजद के जिला अध्यक्ष बुद्ध नारायण यादव, सीपीआई के जिला अध्यक्ष अब्दुल्ला, सीपीएम माले के जिला सचिव देवासी सिंह दिवाकर, सीपीएम के जिला सचिव भागीरथ शर्मा, गयाराम, एमसीसी के जिला अध्यक्ष दिलीप तिवारी सहित बोकारो जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवासीस मंडल, आशा देवी, कांग्रेस के बनवाली बावरी के अलावा सभी इंडिया घटक दलों के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, सभी जिला के पदाधिकारी, प्रखंड जिला नगर के पदाधिकारी मौजूद रहे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आज इंडिया संयोजक मंडल बोकारो जिला समिति की ओर से मणिपुर की घटना को लेकर के एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है। इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार बेपरवाह और बेफिक्र होकर के मणिपुर के घटनाओं पर किसी तरह कोई उनका ना सोच है, ना चिंतन है, ना वहाँ कोई कार्रवाई कर रही है, इसके खिलाफ में पूरे देश में लोग जो है रोडों की सड़कों पर उतरने का काम कर रहा है। निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार तंत्र व्यवस्था को चलाने में नाकाम है और आए दिन महिलाओं और दलित पिछड़े वर्गों के साथ जो अत्याचार हुआ है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में एक सर्वसार करने का ये बात है, जिससे इंडिया तो जो हम लोगों के द्वारा पार्टी बनाया गया विपक्ष में, उसके खिलाफ हम लोग जोरदार आंदोलन करने पर उतर गए हैं और आने वाला समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।